दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपकी हर परीक्षा में पूछा जाता है। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आती है तो आपको इस वीडियो से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अवश्य ही मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जो मेरे पिछले वीडियोस थे समास, रस, उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि समझ में नहीं आती है बच्चों को। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं और समझ में आता नहीं है कि इसका मतलब है क्या, तो मैं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ से आपका 2-3 नंबर तो पक्का है, ये आप लिख के ले लीजिए और 100% आता है। और अगर आप भरोसा नहीं है तो आप पिछले ईयर्स के पेपर्स आप देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और वही बात कि अगर आपने लाइक का बटन भी नहीं दबाया है तो दबा दीजिए क्योंकि पसंद तो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग ध्वनि से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ध्वनि की, ठीक है, तो ध्वनि का मतलब क्या होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो ध्वनि निकल रही है और आप तक आवाज़ पहुँच रही है, आवाज़ का मतलब ध्वनि पहुँच रही है। ठीक है, तो बस यही है ध्वनि। मतलब हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी हमारे अंदर से कुछ भी साउंड निकलता है, वे क्या हो गया, वे हमारा ध्वनि हो गया। समझ में आ गया होगा ध्वनि का एक एक प्रकार से परिभाषा। ठीक है, ध्वनि क्या होती है। अभी जो ध्वनि है, ध्वनि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। देखिए मैंने स्वर की परिभाषा पहले भी बताई है, आपको बता दूँ मैं एक बार फिर से कि जो स्वतंत्र रूप हो। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं हो, जिसको वो क्या होता है, हमारा स्वर कहलाता है। जैसे अ, आप बताइए अ बोलने में किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती, यानी ये क्या होता है, स्वयं स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करें तो देखिए अ से लेके अ तक सारे स्वर होते हैं, उसके बाद जैसे जो अंग और आहा होता है ना, वो अनुस्वार और विसर्ग होता है। अंग होता है अनुस्वार और आहा होता है विसर्ग। ये बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ ले जाता है कि विसर्ग या निम्न में से विसर्ग क्या है, तो जो आहा होता है वे विसर्ग होता है और अंग क्या होता है, अनुस्वार होता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बताते जाऊँगा, आप लास्ट तक काउंट करते जाइएगा कि मैं कितने क्वेश्चंस आपको बता दिया। देखिए यहीं से 2 प्रश्न बन गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं व्यंजन। ठीक है, अब देखिए व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा समझिए कि जो स्वर की सहायता से बोला जाए। ठीक है, व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर हम क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, ज बोलते हैं, च बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें उसके साथ में स्वर लगा होता है। ठीक है, आप कोई भी आप वर्ण ले लीजिए, जो व्यंजन होगा उसमें आपको स्वर अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, जैसे च के साथ च धन अ, चौ के साथ च धन अ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन होते हैं मुख्य रूप से 33। ठीक है, मैं 33 मुख्य रूप से बोल रहा हूँ, कमेंट मत कीजिएगा फालतू का। ठीक है, अब देखिए अब व्यंजन को हम डिवाइड करते हैं उच्चारण के पर्पस से कि किस प्रकार से, तो ये 2 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। ठीक है, देखिए उच्चारण स्थान और प्रयत्न, व्यंजन 2 भाग में गया, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। उच्चारण स्थान का क्या अर्थ होता है दोस्तों, उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि जब भी हम कोई व्यंजन है उसको अगर बोल रहे हैं तो उसका एक स्थान तो होगा ना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे जो आवाज़ है कहीं ना कहीं से निकल रही है, कहीं से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, बोलते हैं ना दिल की आवाज़ है, तो खैर दिल की आवाज़ नहीं होती, आवाज़ हमारे मुख के अंदर से ही कहीं ना कहीं से आती है, तो वो उसी को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उच्चारण स्थान। क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान। अब देखिए उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, देखिए उच्चारण स्थान हमने यहाँ पे किए हुए हैं। देखिए जैसे कंठ हो गया, ठीक है मैं इधर हो जाता हूँ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, जैसे कंठ, गला, ठीक है यहाँ से शुरू होता है, दिल से कोई आवाज़ नहीं निकलती, तो ठीक है देखिए गला, तालव्य, और यानी तालव्य मतलब तालु, ठीक है, मूर्धन्य मतलब जीभ जो हम टेढ़ी करते हैं ना,
और दांत हो गया और ओठ हो गया, ठीक है। इस पे आते हैं। अब देखिए वर्ण जो होते हैं वे कहाँ से, कौन कौन से वर्ण जो होते हैं कहाँ कहाँ से निकलते हैं। परीक्षा में यही सीधे पूछता है कि जैसे अगर आपको बोल दिया एग्जाम में ख दे दिया, ठीक है, परीक्षा में दे दिया ख, और पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है, या आपको दे दिया थ, दे दिया थ से थर्मस, तो बोल दिया उसका उच्चारण स्थान बताइए। यहाँ से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन नंबर तो सेम ही रहेंगे, एक क्वेश्चन का एक नंबर या दो नंबर, जितने भी नंबर का होंगे समान अंक होंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहीं पे हमको ध्यान देना है। तो देखिए, तो यहाँ पे जब कंठ से बोला जाता है तो कौन सी, कौन कौन से वर्ण जो होते हैं कंठ से निकलते हैं, वे होते हैं क, क वर्ग होता है, और ह, ठीक है, जो क वर्ग होता है और साथ में जो ह होता है वे कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। उसका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान याद रखिएगा क्या है, वे क है, ठीक है, यानी कंठ है क वर्ग और ह का। उसके बाद है तालव यानी तालु, ठीक है, तो तालव्य का क्या है उच्चारण स्थान दोस्तों, च वर्ग और स, मतलब च वर्ग और स से जो निकलते हैं वे कहाँ से निकलते हैं, वे तालु से निकलते हैं, ठीक है। ये किसका उच्चारण स्थान है, ये च वर्ग और स का उच्चारण स्थान है, ठीक है। अगर पूछ लिया कि स कहाँ से निकलेगा तो बताएंगे आप तालव्य से निकलेगा, क्लियर है। उसके बाद है ट वर्ग और स, ठीक है, तो ट वर्ग और स ये कहाँ से निकलेगा, मूर्धन्य से निकलेगा, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, उसमें टंगड़ी सिखाता है ना वो सलमान खान, कैटरीना कैफ को बोलने का सिखाता है टंगड़ी, है ना, तो टंगड़ी जो है वे भी मूर्धन्य से बोला जाएगा, उसका अड़ी है ना, अड़ी वे कहाँ से होगा, वे मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए त वर्ग और स, त वर्ग और स ये कहाँ से है, दांत से यानी दंत से। देखिए उच्चारण स्थान मतलब जो हमारे अंदर की जो हवा है ना, जो वायु है, जैसे किससे किससे टकरा रही, जैसे त ना, जैसे त बोल रहा है तो दांत से टकरा रहा है ना, जीभ भी हमारी किससे आ रही, त, ध्यान दीजिए बोल के देखिए, त तो कहाँ से आ रहा है, जीभ पे टकरा रही है यानी दांत पे टकरा रहा है। और देखिए प बोल रहा है, प प, ठीक है, जैसे पापा बोलते हैं पापा, तो लिप्स जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रही थी, क्या है, ओठ है, ठीक है, ये किससे आ रहा है, ओठ से, यानी जो प वर्ग है वे ओष्ठ से हो गया, समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है एक और व्यंजन होता है, इम्पॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है, प्रश्न की संख्या गिनते जाओ, यहीं से आते हैं प्रश्न। जैसे यहाँ पे दे दिया आपको ल दे दिया, ठीक है, परीक्षा में दे दिया कि ल जो है किस प्रकार का व्यंजन है, तो जो ल है भी किस प्रकार का व्यंजन है, आपको चार ऑप्शन दे देगा कि स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी है, अंतस्थ है और संयुक्त है। तो आप क्या बताओगे, ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, तो याद रहेगा। अब इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, जैसे य र, यानी दांत और ओठ, दंत धन ओठ, ठीक है, दंत धन ओष्ठ क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया, समझ में आ गया इतना। चलिए ये क्या हो गया हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, जिसके लिए सब लोग परेशान थे कि सर सगोश अगोश क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, बस आ रहे हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। चलिए आते हैं अब हम लोग प्रयत्न के आधार पर। देखिए प्रयत्न का मतलब हो गया कि किसी चीज़ का प्रयत्न करना, ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो बोलने में भी प्रयत्न लग रहा है ना, वो क्या हो रही है कि कौन कौन से मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसमें क्या हो रही है कि कहीं पे ज़्यादा ताकत लगने पड़ रही है, ज़्यादा फोर्स लगना पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ही आराम से बोला जा रहा है ना, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रयत्न हो गया। देखिए अब प्रयत्न के आधार पे तीन भाग मैंने किए हैं, देखिए प्रयत्न के आधार पे मैंने तीन भाग किए हैं, आपको देखिएगा यहाँ पे श्वास, स्वर तंत्री में कंपन, तंत्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा स्वर तंत्री, ठीक है, अवयव के अवरोध द्वारा, ठीक है, श्वास, स्वर तंत्र में कंपन और अवयव के अवरोध द्वारा। अब देखिए श्वास और स्वर तंत्र में कंपन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जैसे श्वास है ना, अब श्वास जो है वे दो भाग में बांट दी गई, श्वास का मतलब क्या हो गया, सांस, ठीक है, जो हमारे अंदर की जो श्वास निकल रही है, बोलने पे सांस निकल रही है, देखिए बोलते हैं तो आवाज़ निकलती है, हवा भी निकलती है ना आवाज़ के साथ साथ, तो अल्प प्राण और महाप्राण कहा जाता है। देखिए इसको दो भाग बांट दिया गया, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए इसका मतलब
अल्प का मतलब हो गया जो साधारण तरीके से आराम से निकले, उसको क्या बोलेंगे, अल्प प्राण बोल देंगे। और जो महाप्राण मतलब क्या हो गया, बहुत ही मेहनत करके या ज़्यादा मात्रा में निकले, हैवी मात्रा में जो हवा जो है हमारे अंदर से बाहर निकलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज़्यादा, ऐसे याद रखिएगा। ये एक शानदार ट्रिक भी बन सकती है, आप इसको ट्रिक का नाम दे दो चाहे जो दे दो, ठीक है। तो अल्प और महा, अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। अल्प प्राण का मतलब क्या हो गया, जैसे कम, तो जैसे आप क बोलते हैं, क में आराम से बोले, आप ख बोल के बताइए, क बोलिए और ख बोलिए, दोनों में अंतर आपको यही समझ में आ जाएगा। क और ख, क में क्या हो गया, कम हवा निकली और ख में ज़्यादा, तो यानी जो पहला तीसरा और पांचवा, पांच लाइन होती है ना, क ख ग घ अंगा, ऐसे पांच होते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहला तीसरा और पांचवा जो होगा वे होगा अल्प प्राण, ठीक है, याद रखिएगा। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा, जैसे ख और घ, क्या ख और घ, ये क्या हो गया हमारा, महाप्राण हो गया, ठीक है। ऐसे ही च छ, इसमें जो छ हो गया वे क्या हो गया, महाप्राण हो गया, और जो च हो गया वे क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, तो आगे चलें, वेरी नाइस, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब स्वर तंत्र के आधार पर जो होता है वहाँ पे देखिए अघो, तो देखिए यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं आपको, ये जो अंतस्थ व्यंजन है ना, ये जो अंतस्थ व्यंजन आपको यहाँ वाला जो दिख रहा है, ये भी क्या है, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी जैसे य र ल व, सिंपल है, य र ल व, ये किस में आएगा, ये आएगा अल्प प्राण में। इसकी टोटल संख्या 31 होती है, और जो महाप्राण होती है इसकी टोटल संख्या 15 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो अनुस्वार और विसर्ग, अंग अह, जो अनुस्वार है वे इसके अंतर्गत आता है, जो विसर्ग है इसके अंतर्गत आता है, ये सारे कन्फ्यूजन दूर रखिएगा कि अनुस्वार जो होते हैं अल्प प्राण और विसर्ग जो है वे महाप्राण होता है, क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग सघोष और अघोष, या अघोष या सघोष की तरफ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कोई चीज़ आसानी से बोली जा सके, ठीक है, जिसमें क्या हो, कोई भी रुकावट ना आए, ऐसे देख लीजिए कि इसमें अगर रुकावट नहीं आ रही है तो वे अघोष है, और रुकावट आ रही है तो वे क्या हो गई है, सघोष है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं सघोष और अघोष में, ये देख लीजिए, जैसे पहला लाइन और दूसरा, पहला और दूसरा जो हो गया वे अघोष होता है, कैसे, अब देखिए जैसे क, ठीक है, क में कोई रुकावट आई क्या, नहीं आई, क और ख। अब ग, ग में क्या होता है, देखिए जो हमारा मुंह है थोड़ा सा बंद होने लगता है, यानी रुकने लगता है, ठीक है, बोल के देखेंगे आप स्वयं अनुभव करेंगे, ठीक है, हम तो आपका अनुभव करा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग बोलते हैं तो बंधा होता है, ठीक है, ऐसा लगता है रुक के जा रही है, रुक के जा रही है, यानी रुकती है, उसके बाद धक्का लगता है, फिर बाहर निकलती है ना, तो वे क्या हो जाता है, सघोष होता है। तो यहाँ पे पहला और जो तीसरा होता है, पहला और दूसरा जो होता है वे अघोष हो गया, और तीसरा चौथा और पाँचवा वे सघोष हो गया, ठीक है। अब एक हिसाब से देखिए पहला अल्प प्राण भी होगा और अघोष भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट अघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और ये सारी चीज़ें। अब आगे आते हैं हम लोग अवयवों के अवरोध के आधार पर क्या क्या होता है वे समझते हैं, है ना। अब देखिए अवयव के अवधोर अवरोध के आधार पर, और जो लोग अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए वो लोग लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, ठीक है, इतना मग्न ना होना कि लाइक करना भूल जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब अवरोध मतलब क्या हो गया, रुकावट। अब कौन कौन सी चीज़, हम बार बार बोल रहे हैं ना कि रुकावट तो आती है, लेकिन किस किस चीज़ की रुकावट आती है वे समझिए। देखिए स्पर्श, रुकावट में कौन कौन सा चीज़ होता है, देखिए यहाँ पे स्पर्श होगा, स्पर्श संघर्षी होगा, संघर्षी होगा, अंतस्थ होगा, उपक्षिप्त होगा, पार्श्विक होगा और लुंठित होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए स्पर्श का मतलब क्या हो गया, देखिए स्पर्श के अंतर्गत का मतलब जो स्पर्श करता हो, ठीक है, जैसे क, जैसे क च ट त प, ये सारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए स्पर्श की है, ठीक है, ये याद रखिएगा इतना। ये देखिए इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, इसकी ट्रिक जो है ये है चटक तप, ठीक है, देखिए चटक तप या चटक तप या चिड़िया का चटक तप, ठीक है, ये आप ऐसे याद रखिएगा, ये आपको ट्रिक आपके माध्यम से उसको याद कर सकते हैं कि स्पर्श का क्या हो गया,
स्पर्श चटक तप, ठीक है। तो ये होगी आपकी ट्रिक। अब स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या हो गया? स्पर्श संघर्षी मतलब स्पर्श में भी संघर्ष हो, स्पर्श में होता है फिर उसके बाद स्पर्श में संघर्ष। कैसे? च वर्ग से च छ ज झ इया, इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्पर्श संघर्ष होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? च वर्ग हो जो हो गया हमारा स्पर्श संघर्षी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप पढ़ लीजिए। इस वीडियो को आप अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में आपको 2-3 नंबर का फायदा जरूर कराएगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखिए संघर्षी का मतलब, अब देखिए स्पर्श संघर्षी और संघर्षी अलग अलग होता है। संघर्षी में ऊष्म व्यंजन, इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, याद रखिएगा, संघर्षी को ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया ह स श श, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। परीक्षा में आ गया कि स क्या है, किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये है ऊष्म व्यंजन। ये भी आपका एक प्रश्न बन गया, ठीक है। ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। या आपको बोल दिया कि संघर्षी क्या है, तो आप इसमें भी यही बताएंगे, जैसे स स श ह, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अंतस्थ के बारे में, ठीक है। संघर्षी हो गया, अब हमारा आ गया अंतस्थ व्यंजन। तो देखिए अंतस्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये ठीक है, अंतस्थ के बारे में मैंने बताया है। अब आगे चलते हैं, इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, जैसे य र ल व सिंपल मैंने बता दिया था। उसके बाद देखिए उक्षिप्त है हमारा। अब उक्षिप्त में ड और ढ, ठीक है, ढ ड, ठीक है। यहाँ पे बोलने में देखिए ड जो हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा? उक्षिप्त हो जाता है, ठीक है। ये दो होते हैं, याद रखिएगा, अंगा मत समझिएगा, अंगा नहीं होता है, ड और ड होता है, ठीक है। आगे देखिए पार्श्विक। अब देखिए पार्श्विक, ये पार्श्विक और लुंठित ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है या लुंठित वर्ण कौन सा है, तो ये एक ही एक होते हैं। जैसे एक एक होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, वही पूछे भी जाते हैं। जैसे पार्श्विक, लुंठित, इधर ये हमारा अनुस्वार और विसर्ग है, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए आपको इसको देखना पड़ जाता है, ठीक है। तो पार्श्विक हमारा है ल और लुंठित है र, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा है संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन मतलब दो को मिला के जो व्यंजन बनते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कहला जाते हैं, ठीक है। जैसे दो वर्ण मिल के जब एक व्यंजन बन जाए तो संयुक्त व्यंजन, जैसे छ त्र ज्ञ अस्त्र श्री गणेशाय वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है, या जो छ है या त्र है वे किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आज के लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर दूँ क्या? चलिए जल्दी से रिपीट करता हूँ। ध्वनि क्या होती है? जो हमारे अंदर से निकलती है, दो भाग में बटी, स्वर और व्यंजन। पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जल्दी से ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। तो स्वर व्यंजन, फिर उच्चारण स्थान, प्रयत्न, फिर उच्चारण स्थान में ये हुआ, प्रयत्न में ये हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारे, ऐसे पढ़ाई करिएगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।